मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इंडियन मीम्स आई वॉच एट 1:57 AM. पिछले बार क्या था, टू कुछ तो 2:59 AM, राइट? ये 1:57 AM को ही देखना है, ना एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे. ऐसा क्या इस मीम से हम देखेंगे? बाय मीम पुस्तक. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माई चैनल लिखने वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स गो. हर पल हर सफर ये तुझे पे ही जाके क्यों रुकता है? जा पूछ क्या. जा पूछ क्या. कौन तुझे प्यार करेगा? जा पूछ क्या. जा पूछ क्या. क्या हुआ, दो पीढ़ी से कलकत्ते में झक नहीं मार रहे हैं? हिंदी क्या, हम बंगाली भी तुमसे ज्यादा अच्छी बोलते हैं. बाबा टैगोर के श्लोक सुने हैं? नहीं, वो तो नहीं सुना हमने, लेकिन शाम होते ही हमारे बाबा बेवड़ा पी के जो गाली बकता है, हमने तो बस वो ही सुना है. नमस्ते प्रधानमंत्री जी, मैं मनन मित्तल DPS बैंगलोर साउथ से बोल रहा हूँ. मुझे आपसे एक प्रश्न है. ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग वगैरह वगैरह, हम इससे कैसे बचें? ये स्टूडेंट है क्या? नहीं है यार. नींद गई, चैन गया, मेरे भाई भूख भी लगती है कि वो भी गई. गारंटी राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में. ओए ओए ओए. देखो देखो हमारे शर्म के चेहरे कैसे लाल हो रहा है. अबे बेकार की. Bottom line, season 2 में the toxicity is out. अच्छा. For good. ये सब दोगलापन है. मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ. अमिता ठाकुर ने कहा था कि season 2 में कोई toxicity नहीं है. तो आप कुछ करना चाहेंगे इस बार में? मैं यहाँ पे आया, मैंने नमिता ठाकुर की बात की. अब उसका रीजन है क्योंकि मैं उसको मिस ही नहीं करता. यार भाई भी ना बबीता जी का इम्प्रेस करने का जबरदस्ती का शौक है उनको. शादी के बाद क्या इम्प्रेस करने का? तुमसे पहले किसी से दिल लगाया था. पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा, खुद ही. यानी समीर तुमने झूठ बोला मुझसे? मैंने तुमसे प्यार किया क्योंकि तुम मुझे सच्चे और ऑनेस्ट आदमी लगे. तुम भी बाकी मर्दों जैसे निकले. आई हेट यू. हेट तो ठीक है, लेकिन ये बाकी मर्द कौन है? ये बाकी मर्द कौन है? क्लोज अप.
ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਮੱਛੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੋ ਪਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ड्राइव नहीं कट करना चाहिए था चाहल कुकली मारता तो पहली बॉल पर विकेट मिलता मैं कैप्टन होती तो टॉस जीतकर बैटिंग करती पूछा किसी ने किसी ने नहीं पूछा खुद ही वीडियो चलिए यहाँ से अगर तू मेरे सामने आया ना तो गोबर में झाड़ू डुबो डुबो कर पीटूंगी तुझे तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए मैं जवाब दे दे के परेशान हो गई हूँ तो ना इट्स अभी ये हमेशा ये बोलती है ना कि अभी जनाब का मूड नहीं है तो आज मैं बोल रहा हूँ कि अभी मेरा मूड नहीं है हाँ नेक्स्ट ईयर पक्का होगी कब होगी वो जल्दी से पता नहीं चलो ठीक है तो मुझे भी आस मिल गई थैंक यू अभी मैंने बोला है होगी अभी किससे होगी वो मैंने नहीं बोला Women. अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और गरीब हमारा देश गरीबी की चपेट में है इसकी यही वजह है ये काला पैसा हम वो सारा काला पैसा बाहर निकालेंगे शिवाजी फाउंडेशन सिर्फ चेन्नई में ही नहीं देश के हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे गांव गांव में शिक्षा देंगे रोजगार देंगे गांव गांव में सड़क बनाएंगे रोटी देंगे बहुत मोटिवेशन वेरी गुड जाके पता चला शादी में रसमलाई भी थी जिस दिन आप बहू को बेटी मान लेंगे उस दिन से आप उसका मोल भाव करना बंद कर देंगे क्या बात कर रहे हैं बाबा अपने घर बहू नहीं बेटी लेकर आए और दहेज प्रथा हमेशा के लिए मिटा दीजिए मैं तो तेरे को हरामी समझता था तू तो राम निकला रे देव मानुष निकला राजश्री पान मसाला नहीं तू देव मानुष है ही नहीं राजश्री पान मसाले को ना क्या था ये मतलब इतना डीपली सब लोग सुन रहे थे हरामी समझता रे तू तो देव मानुष निकला बट देखा तो सच देव मानुष बीच में राजश्री पान मसाला को क्यों घुसर दिया इसके सब सबके चक्कर में आई गो देवा आप लोग भी सुन रहे हो गए ना ध्यान से और हम कर रहे तो वुमेन हा 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 तुम करो तो द बॉयज बट देखा जाए तो वो एक्चुअली वैसा था आई हेट यू तक ठीक है वो चलता है सलमान खान को बट उसे ये बाकी आदमी कौन है ए ये बाकी आदमी कौन है और ठगेश के गाने या फिर बहुत सारे गाने ले जब पूछ किया वो मीम्स बड़े खतरनाक थे मुझे आपका सबसे फेवरेट कौन सा था मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए जरूर बताना सारे के सारे मीम्स बहुत ज्यादा ही मस्त थे मजा आया मुझे तुझसे किसी ने पूछा वो सारे मीम जैसे बनाए गए थे वो सब मस्त थे तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन इंडियन मीम्स आई वॉच एट 1:57 AM आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं तो प्लीज बाकी परत मियाले